तो एक बार जोरदार ताली बजा दो हरीश के लिए। एक छोटा सा सुंदर सा गिफ्ट मैं भेंट करने जा रहा हूं भाई हरीश जी के लिए। और हरीश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने मेरी इस प्रतियोगिता में सहभागिता की और आपने दिमाग की बत्ती जलाई। दो नहीं क्यों नहीं लगेगा बताओगे? ये तो गंजे हैं भैया, जोरदार ताली बजा दो इनके भैया के लिए। बताओ बताओ। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर आईना भारत का नाम से, जिसमें मैं एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चला रहा हूँ अभी, जिसका नाम है कि दिमाग की बत्ती जलाओ और इनाम पाओ। ठीक है जी, उसमें मैं 5 प्रश्न करता हूँ और उन 5 प्रश्नों में से जो भी 2 प्रश्नों के उत्तर मुझे दे देता है पहले, उसे मैं एक छोटा सा गिफ्ट भेंट करके जाता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक नए गांव में आया हुआ हूँ। एजुकेशनल कुछ क्वेश्चंस पूछ करके लोगों के ज्ञान में वृद्धि करना और साथ ही साथ कुछ हंसी मजाक होने से कहीं ना कहीं, क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो आज की शुरुआत मेरी हो रही है इन लोगों के बीच में। ये ग्रामीण वासी जो हैं वो जुड़ चुके हैं मेरे साथ और मैं इनसे अपनी प्रतियोगिता की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करें दादा, एक बार सभी लोग बोल दो हाँ, शुरुआत करें। आप तैयार हैं सब? चलिए, तो मेरा पहला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ रहा है और आपको उसका उत्तर देना है। वह कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके आने पर लोग उसे थूकने को कहते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसके आने पर लोग कहते हैं थूक दो? मक्की। और बताइए और खाल को थूक दे उनका। और बताइए दादा, बलगम। चाचा बताओ, अभी सही आंसर नहीं आया है। मेरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके आने पर लोग कहते हैं कि थूक दो? बदबू। अभी बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं आप लोग आंसर के, थोड़ी सी दूरी पर हैं बस। उल्टी आने पर थूक दो। मेरा प्रश्न का उत्तर अभी सटीक नहीं मिल पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछता हूं। ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा क्या है जो दूसरों को तो खिलाता है, खूब खिलाता है, परंतु अपना कभी नहीं खाता? दूसरों को खूब खिलाता है परंतु अपना कभी भी नहीं खाता है। ये मेरी पहली है, दिमाग की बत्ती जलाओ और इनाम पाओ, इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम का नाम रखा है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। इसमें मैं कुछ पहेलियां पूछता हूँ, कुछ ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछता हूँ। दिमाग लगाओ, ऐसी कौन सी चीज है? नहीं पता है, कह दो नहीं पता है भैया। चलिए एक प्रश्न जो अक्सर आप लोगों को पता होगा, दिमाग की बत्ती जलानी है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम काटते भी हैं, पीसते भी हैं और बांटते भी हैं, मगर खाते नहीं हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम काटते भी हैं, पीसते भी हैं, बांटते भी हैं, मगर खाते नहीं हैं? और आप सबको पता है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो। अच्छा चलिए बताइए, लोहे की सड़क, लोहे के टायर, लोहे की गाड़ी, परंतु वो हर जगह पहुंचा देती है, वो कौन सी गाड़ी? लोहे के ही टायर हैं, लोहे की ही सड़क है, ट्रेन। भैया जोरदार ताली बजा दो भाई, जबरदस्त ताली बजानी चाहिए भाई। देखो पहला उत्तर मिला है मुझे, ट्रेन। बिल्कुल राइट आंसर है कि ट्रेन जो है वो ऐसी एक गाड़ी है जो सब पूरी लोहे की बनी होती है, ट्रैक भी उसका लोहे का ही होता है। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? कृष्ण पाल। कृष्ण पाल के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, ताली की आवाज आनी चाहिए थोड़ी सी। ताली जब बजती है तो मनोबल बढ़ जाता है। दो गंजे आदमी हैं, दो आदमियों को गंजा होने में 10 रुपए लगते हैं, कितने रुपए लगते हैं? 10 रुपए। तो 5 गंजे आदमियों को गंजा होने में कितने रुपए लगेंगे? 50।
हाँ मेरा प्रश्न था कि दो आदमियों को गंजा होने में लगते हैं 10 रुपए, तो 10 गंजे आदमियों को गंजा होने में कितने? नहीं क्यों नहीं लगेगा बताओगे? ये तो गंजे हैं भैया, जोरदार ताली बजा दो इनके भैया के लिए। बजा 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 जोरदार ताली बजा दो। चलिए ना दूध हम आप सब पीते हो, हर घर में दूध लगभग होता है, गांव में रहते हैं हम लोग। मुझे ये बताइए कि गरीबों की गाय किसे कहते हैं? गरीबों की गाय किसे कहते हैं? कतई गरीब व्यक्ति को। मैंने पूछा कि गरीबों की गाय, गरीब आदमी दूध नहीं देता है, आदमी दूध थोड़ी नहीं देता है। नहीं नहीं नहीं, मेरा दूध की बात, आदमी दूध नहीं देता है। क्या बताया भैया? बकरी। जोरदार ताली बजा दो भैया के लिए, जल्दी से ताली बजा दो। बहुत राइट आंसर, दिमाग लगाया भैया। शुभ नाम बताओ अपना। हरीश। हरीश जी ने बहुत दिमाग लगाया और दिमाग लगा के बता दिया, गरीबों की जो गाय होती है दोस्तों वो बकरी होती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति बकरी आसानी से पाल लेता है और दूध पीता है। क्या समस्या इस बात की है कि एक एक प्रश्न पे ही हैं सब अभी, और प्रश्नों की संख्या मेरी 6 हो चुकी है। हम पूछते हैं 5, हो गए 6 प्रश्न। और प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊं, क्योंकि गिफ्ट देकर के जाना है ना, संख्या बढ़ा दूं? चलिए, कौन सी ऐसी चीज है आदमी और औरत की जो काली होती है दोनों? आंखें भूरी भी हो सकती हैं और बाल भूरे हो सकते हैं, सफेद भी हो सकते हैं, वो परमानेंट काली है आदमी की भी और औरत की भी, लड़का की और लड़की की। दादा हंसे बहुत भैया, आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ। जोरदार ताली बजा दो भैया के लिए, जोरदार ताली। राइट आंसर, राइट। क्या नाम? सुनाओ। राम रईस। राम रईस भैया के लिए जोरदार ताली बजाओ भैया एक बार सभी लोग। बहुत राइट आंसर। परीक्षा, ये प्रश्न मैंने कल भी पूछा था परंतु नहीं लोग बता पाए। बिल्कुल राइट आंसर है कि औरत हो चाहे आदमी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की परछाई जो होगी वो काली ही होगी। दो किसान हैं, एक का नाम है गोरेलाल और एक का नाम है श्यामलाल। क्या है? गोरेलाल श्यामलाल। ठीक है, एक खेत में मेड़ पड़ी हुई है, ठीक है, एक बकरा खाता श्यामलाल के खेत में है और पानी पीता है गोरेलाल के खेत में। खाता कहाँ है? श्यामलाल के खेत में, और पानी पीता है गोरेलाल के खेत में। दूध पर हक किसका होगा? किसी का नहीं, वो दूध पर बकरा ही है। हरीश कुमार जी के लिए जोरदार ताली बजा दो, और इनाम के हकदार हो गए हरीश जी, क्योंकि दो प्रश्नों के उत्तर हरीश जी के द्वारा मुझे पहले आ गया। ये हरीश जी दोस्तों, एक बार जोरदार ताली बजा दो हरीश के लिए। एक छोटा सा सुंदर सा गिफ्ट मैं भेंट करने जा रहा हूं भाई हरीश जी के लिए, और हरीश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपने मेरी इस प्रतियोगिता में सहभागिता की और आपने दिमाग की बत्ती जलाई। दोस्तों मेरे कार्यक्रम का नाम है कि दिमाग की बत्ती जलाओ इनाम पाओ, होता कुछ नहीं है, बस आपको ज़रूरत है थोड़ा सा दिमाग लगाने की, दिमाग की कसरत करवा देते हैं बस, और है कुछ थोड़ी ना, सभी प्रश्नों के उत्तर आपके प्रश्नों में ही छिपे होते हैं कहीं ना कहीं, तो दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जलानी होती है। तो आज के विनर हो गए हैं हरीश कुमार जी, और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपको लगातार मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ अगली श्रृंखला में अगले भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।